हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन सिनेमा बाय राहुल। पता नहीं ऐसा क्या रखा है इन गैंगस्टर्स और ड्रग डीलर्स में जो हमारी बॉलीवुड की सुंदरियों को ले उड़ते हैं और फिर उनका फिल्मी करियर तबाह हो जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में, जब शाहजहां बेगम ने उस टाइम के मशहूर गैंगस्टर हाजी मस्तान मिर्जा से निकाह किया था और सोना मस्तान मिर्जा बन गई और फिर फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो, या कहें तो आउट कर दी गई थी। इसके बाद तो मानो ये एक ट्रेंड सा ही बन गया था। रेनाउंड डायरेक्टर के आसिफ की बेटी हिना कौसर, जो कि 1970s की बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, उनसे निकाह करके उन्हें यूके ले उड़ा था 1991 में गैंगस्टर इकबाल मिर्ची। 2013 में इकबाल मिर्ची तो खुदा को प्यारा हो गया, पर आज भी हिना कौसर यूके में ही रहती हैं। मंदाकिनी जी के बारे में तो क्या कहें, इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की वजह से अपने प्रॉमिसिंग फिल्मी करियर की वाट लगा दी और आज मुंबई के अंधेरी इलाके में अपने हस्बैंड और दो बच्चों के साथ रहती हैं। मोनिका बेदी, संजय दत्त, सुनील शेट्टी और सैफ अली खान जैसे दिग्गज एक्टर्स के साथ हिट फिल्म्स देने के बाद पता नहीं बेदी जी को गैंगस्टर अबू सलेम में ऐसा क्या दिखा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर इलीगली पोर्चुगल चली गई और फिर वहां आराम से जेल में कुछ टाइम बिताया। फिर इंडिया वापस आकर दो और साल जेल में आराम से रही। आज कहां है क्या पता। ममता कुलकर्णी, एक और महान हस्ती जो आजकल कम ही हस्ती। अपने एक्स बॉयफ्रेंड गैंगस्टर छोटा राजन से रिलेशनशिप खत्म होने के बाद ममता जी ने 2013 में ड्रग डीलर विक्की गोस्वामी से शादी की, जो कि वो आज भी कहती हैं कि नहीं की और किसी भी ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व नहीं थी। भले ही ममता जी और मंदाकिनी जी अपने अपने गैंगस्टर और ड्रग डीलर से रिलेशनशिप्स को मना करे, पर ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। लास्ट में तो हम यही कहेंगे कि हे हमारी बॉलीवुड की बहना, इन सब से दूर ही रहना।